दोस्तों आज हम पहुंचे हैं पाथरडी तालुका अहमदनगर जिला और गांव कौन सा अकोला गांव से हमें कॉल आया था ज्ञानेश्वर गर्जे इन्होंने कॉल किया था उनका एक साथी हमारे साथ इनका नाम प्रवीण माने। तो दोस्तों अकोला गांव में हम पहुंचने वाले अभी पाथरडी में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बाबूडी आवाड़ महाविद्यालय पाथरडी तालुका और अभी अकोला गांव में हम पहुंचने वाले हैं। वहाँ पर एक कुएं में एक स्नेक दिखाई दिया था, उन्होंने बोला कि मांडोड़ यानी जो रेड सैंड बोआ है दो मुहा सांप जिसके बारे में काफ़ी सारे अंधविश्वास हैं। सांप उस कुएं में उन्होंने देखा था, अभी हमको अभी तक हमने तो देखा नहीं, वहाँ पर जाकर देखेंगे कौन सा सांप है और उसको रेस्क्यू करेंगे फर्श में रिलीज करेंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। आज हमारे साथ सभी हमारी टीम है और कैमरामैन अतुल पाखरे। तो दोस्तों इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो दोस्तों ये है रेड सैंड बोआ जिसे मांडोड़ दो मुहा सांप इस नाम से जानते हैं हिंदी में, दो मुहा सांप। और ये इसको दो मुंह होते नहीं दोस्तों, इसको रिलीज करते हुए इसके बारे में और जानकारी जान लेंगे। पहले हम इसको बैग में डालते हैं, जब हम इसको रिलीज करने जाएंगे तो इसके बारे में और जानकारी देने वाले हैं। बैग में डालते हैं दोस्तों, एक अच्छी जगह पर रिलीज करेंगे जहाँ पर अच्छे से जी सकता है दोस्तों। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। Bari
तो दोस्तों कल शाम को जो हमने स्नेक रेस्क्यू किया था एक कुएं से, रेड सैंड बोवा, जिसे हिंदी में दो मुहा सांप नाम से जानते हैं और मराठी में मांडोल, इस सांप के बारे में बहुत सारे अंधविश्वास है दोस्तों, आज इसका हम खुलासा करेंगे। जैसे कि इस सांप को बहुत सारे पैसे मिलते हैं, लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं, ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है जिसके कारण इस सांप को लोग बहुत ही मारते हैं। चलिए हम इसको दिखाते हैं। और दूसरा एक अंधविश्वास है कि इस सांप को दो मुंह है। दोस्तों दुनिया का कोई भी सांप ऐसा नहीं कि जिसको दो मुंह हो। आप देख सकते हैं इसको एक ही मुंह है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि इसको दो मुंह है। आप देख सकते हैं ये इसका मुंह है और ये उसका पूंछ। ये जो मुंह है और ये जो पूंछ है एक जैसे दिखाई देता है, इसलिए लोगों को लगता है कि ये दो मुंह है। जब ये ज्यादातर ये खेत में जमीन में रहता है, जिसके कारण ये जब जमीन में जाता है अंदर तो पूंछ के जरिए से अंदर जाता है कभी कभार, तो लोगों को क्या लगता है इसको दो मुंह है। और इसके बारे में एक अंधविश्वास है, जैसे कि ये सांप छह महीने इस मुंह से चलना, ये भी बहुत बड़ा अंधविश्वास है। ऐसा कुछ नहीं, इस सांप को एक ही मुंह है और एक ही तरफ से चलता है। जब कभी कभार ये जमीन में चलता जाता है तो पूंछ के जरिए से अंदर जाता है, तो लोगों को ये वहम होता है कि ये दो मुंह है। और दोस्तों जो सबसे बड़ा इसका अंधविश्वास है, जैसे कि ये सांप लाखों करोड़ में बिकता है, दो ढाई तीन किलो के आगे अगर हो तो ये बिकता है, तो इसका साइंटिफिक वैज्ञानिक जो इसका वेट है ज़्यादा से ज़्यादा ढाई किलो 2 किलो 600 ग्राम के आगे ये बढ़ता ही नहीं। फिर भी लोगों का मानना है कि तीन किलो तक मिलता है, 4 किलो तक मिलता है। जो लोग कुछ भी काम नहीं करते उनको इस तरह काम को लगाया जाता है, फालतू में इस सांप की जान चली जाती है। तो मेरा फिर एक बार कहना है कि दोस्तों ऐसे सांप को पकड़ कर मत रखिए, इसके ऊपर कुछ भी मिलता नहीं, फालतू में आपका वक्त जाता है और इस सांप की भी जान चली जाती है। तो आप देख सकते हैं जिस कुएं में हमने इसको रेस्क्यू किया था, जिसके कारण ये काफ़ी दिनों से उस कुएं में था, इसलिए काफ़ी वीक हो चुका है। जिस तरह आप देख रहे हैं ये वीक हो चुका है। कुछ लोगों का मानना है इसके बारे में 100% पैसे मिलते, तो उनको मैं बता दूं ऐसे सांप हमने आज तक कई सारे पकड़े, इसके बारे में वीडियो बनाए, रिलीज भी किए, रिलीज करते हुए दिखाए हैं। दोस्तों ऐसा कुछ इसके ऊपर मिलता नहीं, अगर मिलता तो हमारे जैसे स्नेक रेस्क्यूअर जो है, जो सांपों को बचाने का काम करते हैं, वो अब तक करोड़ों लाखों रुपए कमा चुके होते। ऐसा कुछ नहीं, जो भी हमारे जैसे स्नेक रेस्क्यूअर उनको पता है इसके ऊपर कुछ मिलता नहीं। हम जो लोग हैं स्नेक रेस्क्यूअर, वो सांपों का प्रबोधन करते हैं ताकि इन सांपों की जान बचा पाए। इसलिए मैं फिर एक बार बोलता हूँ कि इस सांप के पीछे नहीं जाना है, बस आपके घर के आसपास निकलता है तो इसको बचाना है। और पुनर्वास हेतु आप खेत में या फिर किसी फॉरेस्ट में कहीं भी आप इसको रिलीज कर सकते हो। तो चलिए अभी इसको हम यहाँ पर रिलीज करेंगे, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों ये जो सांप है बहुत ही धीमा होता है, जिसके कारण अभी इसको हम बहुत ही ज्यादा अंदर जाने देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते कि वो जो है एक ही तरफ से, मतलब एक ही मुंह से वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये जो पिछले का हिस्सा है ये पूंछ का है, ये आप देख सकते ये पूंछ है और वो अंदर मुंह की तरफ से आगे बढ़ रहा है। ये सांप जो है बहुत ही धीमा होता है, बहुत ही स्लो चलता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ये अभी एक बहुत ही अंदर जा चुका है। अभी तो दोस्तों आप देख सकते हैं उसको हमने यहाँ पर रिलीज कर दिया है। और दोस्तों इसके बारे में और कुछ अंधविश्वास हो जो आपने सुने हो, देखे हो, जो दो मुहा सांप अभी दिखा है आपको, इसके बारे में और जो अंधविश्वास अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में उसको सवाल पूछ सकते हो। उसके बारे में अगले वीडियो में हम इसको उसका जवाब दे देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।